नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और चलिए सबसे पहले बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को जमानत मिल गई है। संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली, जेल से बाहर आएंगे अब सांसद संजय सिंह। और जो खबर आ रही है, ईडी ने जमानत का विरोध नहीं किया है। संजय सिंह की जमानत पर कांग्रेस ने भी खुशी जाहिर की है। और खबर यह भी आ रही है, थोड़ी ही देर में आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। आम आदमी पार्टी के लिए ये बहुत बड़ी राहत कही जा सकती है, क्योंकि आपके जो तमाम जो शीर्ष चार नेता हैं, जो टॉप लीडरशिप है, वो जेल में थी। और इस बीच जब केजरीवाल, जब सीएम केजरीवाल की भी गिरफ्तारी हुई, तो ऐसे में संजय सिंह का बाहर आना पार्टी को वापस जिंदा करने जैसा होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से इजाजत मिली है कि संजय सिंह राजनीतिक गतिविधियों में भी शामिल हो सकते हैं, यानी चुनावी अभियान में भी शामिल होंगे। और जिस तरह से आक्रामक तेवर हमें लगातार संजय सिंह का दिखा है, संसद के अंदर, संसद के बाहर, मुखर स्वभाव के, वहीं अब तेवर यहां लोकसभा चुनाव के जो अभियान पार्टी चलाएगी उसमें भी वही तेवर, वही गरजते बरसते संजय सिंह एक बार फिर नजर आ सकेंगे। तो एक तरह से बड़ी राहत इसे कही जा सकती है आम आदमी पार्टी के लिए। और क्योंकि पीएमएलए कानून है, कानून इतना कड़ा है कि जब तक ईडी जमानत को जब तक फेवर करती है तभी आपको जमानत मिल सकती है। और ऐसे में ईडी ने जमानत का विरोध किया नहीं, और ऐसे में बड़ी राहत संजय सिंह को मिली है। तो आम आदमी पार्टी के लिए ये बड़ी राहत की खबर इस वक्त कही जा सकती है, क्योंकि देखा जाए तो आम आदमी पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है, सत्येंद्र जैन की आप बात कर लीजिए, मनीष सिसोदिया की आप बात कर लीजिए, और अरविंद केजरीवाल जो हाल ही में तिहाड़ जेल में अब गए हैं, तो ऐसे में संजय सिंह का बाहर आना पार्टी को एक नेतृत्व के लिए एक व्यक्ति का यहां साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। संजय सिंह का बाहर आना पार्टी के लिए यह बहुत बड़ी राहत है। ठीक लोकसभा चुनाव से पहले लगातार हम देख रहे थे किस तरह से आम आदमी पार्टी को एक के बाद एक झटके यहां पर लग रहे थे। अब संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है, और ऐसे में वापस आम आदमी पार्टी फिर से जिंदा होती नजर आ रही है। हालांकि जो सेकेंड टॉप लीडरशिप है, अगर आतिशी और यहां पर सौरभ भारद्वाज इनकी बात कर ले, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं आज ये संकेत दिए थे। आतिशी ने आज सुबह ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आशंका जताई थी कि उन्हें भी बीजेपी में आने का ऑफर मिला है, और अगर वो इस ऑफर को ठुकराती हैं तो उन्हें धमकाया गया था कि ईडी की कार्रवाई हो सकती है, उन्हें भी जेल जाना पड़ सकता है, उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। अब ऐसे में संजय सिंह का बाहर आना ये बहुत बड़ी राहत यहां पर आम आदमी पार्टी के लिए कही जा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट से आप सांसद संजय सिंह को जमानत मिल गई है, ये बहुत बड़ी राहत आम आदमी पार्टी के लिए, खुद संजय सिंह के लिए, क्योंकि ठीक लोकसभा चुनाव से पहले इसे कहा जाए तो ये बहुत बड़ी राहत आम आदमी पार्टी के लिए है, क्योंकि नेतृत्व के संकट को लेकर, चेहरे के संकट को लेकर इस बीच लगातार जूझ रही थी आम आदमी पार्टी। हालांकि सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी स्मिता केजरीवाल, उनका नाम लगातार आगे आता रहा था। दिल्ली में जो रैली हुई रामलीला मैदान में, मंच से उन्होंने सीएम का जो संदेश है दिल्ली की जनता को दिया, पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को दिया, लेकिन अब संजय सिंह का बाहर आना एक तरह से पार्टी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रभाकर, जाहिर तौर पर बहुत बड़ी राहत ये आम आदमी पार्टी के लिए है, खुद संजय सिंह के लिए है, लेकिन समझना मैं चाहूंगी क्या आधार रहा कि जमानत मिली संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान? देखिए, सुनवाई लंच के पहले भी सुनवाई हुई थी। जब सुनवाई हो रही थी तब कोर्ट ने जांच एजेंसी ईडी के वकील से ये पूछा कि संजय सिंह 6 महीना से अधिक सलाखों के पीछे हैं और अब इनको सलाखों के पीछे क्यों रहना चाहिए, आप इस पर जवाब दीजिए। और जब लंच के बाद जब सुनवाई शुरू हुई, उसके बाद ईडी के वकील की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल पेश हुए थे राजू, उन्होंने कोर्ट में कहा कि अगर संजय सिंह को जमानत दे दी जाती है तो उनको कोई ऐतराज नहीं होगा। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत दे दी, और इसे एक तरह से कहे कि अप्रत्याशित
रिलीफ कहा जा सकता है, इसलिए कि आज एक तरफ अरविंद केजरीवाल का सलाखों के पीछे जाना और दूसरी तरफ संजय सिंह का सलाखों के बाहर आना बहुत मायने रखता है। जैसा आपने कहा कि संजय सिंह के लिए राहत है, उनकी पार्टी के लिए राहत है, मैं कहता हूं कि ये संजय सिंह खुद के लिए राहत है, उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी के लिए राहत है और साथ ही साथ विपक्ष के गठबंधन इंडिया गठबंधन के लिए भी बहुत बड़ी राहत की बात है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान अब संजय सिंह एक तरह से कहे कि विपक्ष को एक स्टार प्रचारक मिल गया है, जहां पर संजय सिंह न केवल अपनी बात कहेंगे, आम आदमी पार्टी की बात कहेंगे, साथ ही साथ विपक्ष की बात भी कहेंगे। और एक बात और जानकारी के लिए वो ये कि कोर्ट ने ये कह दिया कि संजय सिंह राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले सकेंगे। और एक बात और कि ये रेगुलर जमानत है, ये कोई अंतिम जमानत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि जब तक ये मामला शराब नीति घोटाले में ट्रायल होता रहेगा, ट्रायल पूरा नहीं होता तब तक संजय सिंह जमानत पर रहेंगे। जमानत की शर्तें क्या होंगी इस संबंध में कोर्ट ने कहा है कि वो शर्तें ट्रायल कोर्ट तय करेगी और उसके बाद संजय सिंह को जमानत मिल जाएगी। तो एक तरह से जैसा मैं कह रहा था कि ये बहुत बड़ी राहत की बात है संजय सिंह की पार्टी और विपक्षी गठबंधन के लिए, क्योंकि अब संजय सिंह जब बाहर जाएंगे, आपको याद होगा कि संजय सिंह सलाखों के पीछे जाने से पहले केंद्र सरकार के खिलाफ बहुत आक्रामक थे, केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग पर बहुत हमला कर रहे थे, मोदी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर बहुत हमला कर रहे थे। तो अब जब वो सलाखों के बाहर आ रहे हैं उसके बाद से वो और एग्रेसिव होंगे और ही एग्रेसिव अंदाज में अपनी बातें कहेंगे। ठीक है, मैं वापस लौट रही हूँ आपके पास प्रभाकर मिश्रा।